For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello everyone. So as discussed with you earlier, goal of IGP is not just to impart theoretical knowledge to all the students of CSWT or CS Executive. I am a company secretary and I am one of the faculty of IGP. I take all the subjects of CSWT. So it's my responsibility, being a company secretary, to give some practical knowledge to students as well. So today we have one student of CSWT. Her name is Vedika, and she's going to speak few lines on one particular topic which I have given to her. So it will help her and many other students who are watching this video कि वो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप कर पाए और ऐसी कुछ एक्टिविटीज अपने घर पे आप लोग कर सकें, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं. वेदिका, आर यू रेडी? ओके. सो मुझे जो टॉपिक मिला था वो था कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस बताने से पहले, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस. कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस और यू कैन से योर फीलिंग्स जब किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं. नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सिक्स स्टेप्स बाय विच सेंडर रीचेज अ रिसीवर विथ अ मैसेज. कम्युनिकेशन प्रोसेस में सिक्स स्टेप्स हैं, जिससे जो हमारा सेंडर है वो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाता है. नाउ फर्स्ट स्टेप, develop an idea. Communication begins with an idea. For you to construct a clear message, you need to organize your thought so that you can understand the purpose of your message. Okay, so develop an idea से अब suppose मुझे आपसे बात करनी है और मुझे पता ही नहीं आपसे क्या बात करनी है, तो क्या conversation start होगा? Can I communicate with you? No. सो फर्स्ट आपको माइंड में कोई तो आइडिया आना चाहिए कि आपको क्या कम्युनिकेशन करना है. जब आपके पास आइडिया आ गया, नाउ सेकेंड स्टेप, इनकोड. इन दिस द आइडिया इज इनकोडेड विद सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और सिंबल्स. ओके, अब इससे क्या पता चलता है? अब जो आपको एक बार आइडिया आ गया तो आप उसे कैसे इनकोड करोगे अपने मैसेज को? चार्ट्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू. कैसे? सो एट दिस पॉइंट सेंडर डिटरमाइंस द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. अब जब आपने इनकोड भी कर लिया, आपको पता है कि अपना मैसेज कैसे इनकोड करना है. सो थर्ड स्टेप, ट्रांसमिट. एंड डेवलप्ड मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द मेथड यू चूज. सेंडर कैन चूज सर्टेन चैनल्स एंड कम्युनिकेट. अब ट्रांसमिट में क्या होता है? अब जैसे मैंने इनकोड करने के लिए चूज कर लिया, हाँ मुझे आपको बोल के बताना है. तो अब बोल के कैसे बताना है? हम चाहे तो आपको कॉल भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको फेस टू फेस भी बता सकते हैं. एंड अगर हम रिटेन वे में बता रहे हैं तो हम चाहे तो आपको लेटर लिख के भी बता सकते हैं, और चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं. तो यहाँ जो हमारा सेंडर है वो डिसाइड करता है अपना चैनल कि किस के थ्रू उसे अपनी मैसेज आप तक पहुंचानी है. अब जब एक बार ट्रांसमिट हो गया मैसेज, नाउ फर्स्ट स्टेप रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर. अब यहाँ हमारा रिसीवर आ जाता है. हियर रिसीवर रिसीव्स मैसेज, अ क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज बाय सेंडर. अब जो हमारा रिसीवर है उसे क्लियरली मैसेज को सुन लिया, माइंड में स्टोर कर लिया कि जो सेंडर है वो क्या कह रहा है. नाउ कम टू द पॉइंट फाइव. स्टेप फाइव इज टू डिकोड द मैसेज सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड. अब जब आपने मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया तो अब क्या होगा? स्टेप सिक्स, लास्ट स्टेप, फीडबैक. फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फीडबैक. हियर फीडबैक इनेबल्स द सेंडर टू नो वेदर और नॉट हिज मैसेज हैज बीन रिसीव्ड करेक्टली. यहाँ जो हमारा
सेंडर है उसे पता चलता है कि जो हमारा रिसीवर है उसने मैसेज को करेक्टली लिया भी है कि नहीं। हम फीडबैक देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने जो आपको मैसेज दिया है वो आपको आप तक सही से पहुंचा है कि नहीं। सो जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। वेरी वेल डन वेदिका। एंड आई होप आप लोगों को भी वेदिका ने जो अपनी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें दिखाई है आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा। सो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस इन आवर अर्लियर सेशंस कि मेरा फोकस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी होने वाला है हमारे कमिंग सेशंस में। सो ये टॉपिक उठाया गया था CSEET के बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 4 विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन इटसेल्फ। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एक कंपनी सेक्रेटरी को रिप्रेजेंट करना होता है अपनी कंपनी को इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स कस्टमर्स। थैंक यू सो मच।